तो हेलो सब्सक्राइबर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बाइक ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं या फिर कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं फूड डिलीवरी वर्क के लिए सऊदी अरब में। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हम बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं या फिर कार का बनाएं, किस में पैसे हम स्पेंड करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आपको कौन सा लाइसेंस बनवाना है, किस लाइसेंस पे फूड डिलीवरी की आईडी आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल सकता है और कौन सी कंपनी में मिल सकता है। तो सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देख लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कार ड्राइविंग लाइसेंस किससे आईडी बनेगी। आपके पास बाइक ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर कार का ड्राइविंग लाइसेंस है, दोनों लाइसेंस से फूड डिलीवरी की आईडी यानी यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा। 100% मिलेगा जाहेज़ और हंगर का। दूसरी कंपनियों का मेरा फुल कंफर्म नहीं है, जब हो जाएगा तो मैं अपडेट आपको दे दूंगा। तो अगर आपको बाइक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप बिंदास होकर बनवा सकते हैं बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस, उससे आईडी बन जाती है और बाइक पे आप काम कर सकते हैं। कार पे भी आप काम कर सकते हैं बाइक के ड्राइविंग लाइसेंस वाली आईडी से। आपके पास कार का लाइसेंस होना चाहिए, तो बाइक वाली आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो कार से आप काम कर सकते हैं, या फिर कार की आईडी आपने बनवा रखी है तो बाइक से काम कर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कमेंट करते हैं इस बारे में, तो मैंने सोचा बताना ज़रूरी है। अच्छा, कार का ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं अगर आप कार से फूड डिलीवरी करना चाहते हैं। कार में फ़ायदा क्या है, कार में आप फूड डिलीवरी के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं अगर आपके पास कार है। दूसरा ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाता है कि आप अगर बाइक कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और कार आपके पास है खुद की, तो आप बहुत से काम कर सकते हैं। हमारा चैनल आप चेक करेंगे तो मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं अगर आपके पास कार है। तो कार में फ़ायदे ज़्यादा हैं और बाइक में सिर्फ आप फूड डिलीवरी ही कर सकते हैं। तो जिनको कार का लाइसेंस बनाना है तो कार का बना लो, बाइक का बनाना है तो बाइक का बना लो, दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सऊदी अरब से रिलेटेड मैं ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको पता चल सके कि उन्हें बाइक का लाइसेंस बनाना है या फिर कार का लाइसेंस बनाना है। अच्छा, कार का लाइसेंस बनाने में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं और बाइक का लाइसेंस बनाने में थोड़े पैसे कम लगते हैं। और अगर आप बाइक खरीदते हैं तो सस्ती मिल जाती है आपको बाइक। नई बाइक आपको 3,500 रियाल में मिलेगी और उससे ज़्यादा 6,000, 7,000, 8,000 रियाल तक बाइक मिलती है यहाँ पे फूड डिलीवरी करने के लिए। और कार का लाइसेंस आप बनाते हैं, अगर कार आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कार आपको महंगी मिलेगी, उसमें आपको पैसा ज़्यादा खर्चना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे हम रेंट की कार लेके काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं रेंट की कार लेके, लेकिन उसमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा आपको। उसके बाद आपको लगेगा हमने बाइक का लाइसेंस क्यों नहीं बनाया। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कार का लाइसेंस बना सकते हैं और कार खरीद के काम कर सकते हैं, फ़ायदा होगा बराबर दोनों में। और बाइक का जब आप लाइसेंस लगाते हैं हंगर स्टेशन की आईडी में, तो आपको ऑर्डर्स छोटे मिलते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी आने वाले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।